परियों, है बुलाया रानी परी ने आप सबको रानी महल में। ठीक है डूबा डूबा, हम आते हैं। जी चलिए। मुझे अपनी योजना को सफल करने के लिए इन परियों से पहले रानी महल में पहुंचना होगा। क्या हुआ बालपरी, आप अचानक रुक क्यों गई? हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या बालपरी? अब शायद वो हमारा भ्रम होगा। चल बालवीर, आप भी हमारी परछाई की तरह ही तो है, और एक परछाई किसी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन फिर भी हमें इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा बालवीर, क्षमा कर दीजिएगा। अब तुम मेरी बंदी बन के रहोगी इस डिब्बी में, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हारे बाद बारी होगी बालवीर की। पुंकी मत करना, टूट जाएगा, तेरा प्रोजेक्ट है ना। मैं एक बात बोलूं, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कोई फायदा नहीं। हाँ क्यों, क्यों कोई फायदा नहीं है? बालवीर भी नहीं आ रहा है हमारी हेल्प करने के लिए, और मोंटू के पास मैजिकल पेंसिल है और वो उसकी मदद से अपना विंडमिल बनाएगा और हम हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। क्या उसकी वजह से हम मेहनत करना छोड़ दें? पता है दादी हमेशा कहती है कि अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता? लेकिन माना हम लोग तो प्रोजेक्ट की चिंता कर रहे हैं। हम भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। लगता है मोंटू बस हार जाएगा। क्या बोला? अरे ये बोला कि लगता है वो पिद्दी लोग हार जाएंगे। उन्हें हारना ही पड़ेगा क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को जो जीतना है। अब देखना मैं उनके साथ क्या करता हूँ। देखो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, हम ही फर्स्ट आएंगे और तू भी पास हो जाएगा। मानव, हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मोंटू,
अरे वाह पुकी, मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया तेरे लिए। वाह, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। हाँ, जजेस भी ऐसा ही कहेंगे और फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलेगा। अरे मेहर, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मोंटू बॉस ने ना उनके साइज जितना विंडमिल का प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना। तो क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलेगा, मतलब हमें ही मिलेगा। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है, ऐसे टूटे फूटे भंगार प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, कैसे? टूटा फूटा भंगार, तुझे हमारा प्रोजेक्ट टूटा फूटा भंगार दिखाई देता है? हाँ? हाँ, मुझे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट टूटा फूटा भंगार ही दिखता है। एक काम करो, तुम भी ना जरा ध्यान से देखो। चलो रे। ये क्या रानी परी, आपकी आंखों में आंसू? बच गई, अच्छा हुआ सही समय पर रूप बदल के रानी परी बन गई, नहीं तो मेरा खेल बिगड़ जाता। रानी परी संभालिए अपने आप को, कैसे संभाले हम खुद को, कैसे संभाले? बाल परी, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारे कारण आपके पुत्र को आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं रानी परी, नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो स्थिति और संजोग का है। जी रानी परी, आप इस तरह अपने आप को मत कोसिए, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हम सब परियों का क्या होगा? हाँ रानी परी, आर पार परी बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं परियों, हम अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकते। हम अभी बालवीर के पास जाएंगे और उनके साथ मिलकर इस भविष्यवाणी का कोई दूसरा उपाय निकालेंगे। नहीं रानी परी, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों नटखट परी, क्योंकि बालवीर हम पर वार करेगा? नहीं परी, बालवीर हम पर कभी वार नहीं करेगा, क्योंकि बालवीर परीलोक का पुत्र है और एक पुत्र अपनी माँ पर कभी वार नहीं कर सकता। ये मूर्ख परियां मेरी बातों में आ चुकी हैं, अब बस एक सही कदम और बालवीर का खेल खत्म। परियों, हम जा रहे हैं। रुकिए रानी परी, अगर आप जाना चाहती हैं तो ठीक है, हम सब भी आपके साथ जाएंगे। हाँ रानी परी, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं परियों, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा और ये हमारा आदेश है। बालवीर, अब तुम मेरी मुट्ठी में हो, अब मैं तुम्हारा अंत भी कर दूं तो ये मूर्ख परियां यही समझेंगी कि रानी परी को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा। मैं, मेरा प्रोजेक्टर टूट गया, मैं पास किसे होऊंगा? तो चिंता मत कर, हम तेरा प्रोजेक्ट वापस बना लेंगे। लेकिन मैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये प्रोजेक्ट फिर से बना सके। अब तो बालवीर ही कुछ कर सकता है, लेकिन बालवीर भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अरे बालवीर नहीं है तो क्या हुआ, उसकी दी हुई सीख तो है,
वह हमेशा कहता कि अंत तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मैं तू ठीक कह रही है, पर कल साइंस प्रोजेक्ट का कॉम्पिटिशन है और मॉन्टू ने तो अपना प्रोजेक्ट बना भी लिया, तो हम उसे जीतने से नहीं रोक सकते। रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम सब मिलकर मॉन्टू से वो मैजिकल पेंसिल छीन लेंगे। एक बार वो मैजिकल पेंसिल हमारे हाथ लग गई तो कॉम्पिटिशन में हमारी ही जीत होगी। लेकिन मैं जब तक वो मैजिकल पेंसिल मॉन्टू के पास है तब तक उसके सामने जाना भी बहुत रिस्की है, फिर हम मुझसे वो मैजिकल पेंसिल कैसे लेंगे? मैं बताती हूँ। सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, अभी सुनो। बालवीर, आ गई हूँ मैं तुम्हारा अंत करने। बालवीर, अब मैं तुम्हें मुझ पर वार करने के लिए मजबूर कर दूंगी और मूर्ख परियां ये समझेंगी कि तुमने उनकी प्यारी रानी परी पर वार करके भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया है और फिर तुम्हारे अपने ही तुम्हें समाप्त कर देंगे। परी, आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मूर्ख हो तुम बालवीर, जिसने तुम्हें बंदी बनाया उसी रानी परी की चिंता कर रहे हो तुम। बालवीर, बालवीर, हम आपको स्थिति में देखकर बहुत दुखी, पर हम जानते हैं कि आप भी बहुत दुखी हैं। लेकिन हे रानी परी, मुझे बंदी होने का दुख नहीं, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया, मैं भयंकर परी का अंत नहीं कर पाया। रस्ती जल गई लेकिन बल नहीं गए। बालवीर, तुम भयंकर परी का अंत करना चाहते हो तो करो। बा आप क्या कह रही है रानी परी, मैं आप पे वार कैसे कर सकता? तुम करोगे, तुम वार जरूर करोगे, क्योंकि उससे पहले मैं तुम पर वार करने वाली हूं। ये तो बुराई का वार, इसका मतलब तुम रानी परी नहीं। सही पहचाना बाल, मैं हूं सच्चाई और अच्छाई की शक्ति, परीलोक की शक्ति और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर पर। बालवीर, अब तो तुम मुझ पर वार जरूर करोगे ना? बालवीर, परी तो मैंने तुम्हारी रानी परी को बंदी बना लिया। मुझसे बदला नहीं लोगे? सिर्फ इसका ही नहीं, तुम्हारे हर बुराई का बदला लूंगा मैं भयंकर परी। परियों, ये तो बहुत बड़ा धमाका था। बाल परी, कहीं बालवीर ने रानी परी पर प्रहार तो नहीं कर दिया?
परियो, इससे पहले कि भविष्यवाणी सच हो जाए हमें रानी परी के पास पहुंच जाना चाहिए। वो अकेली है बालवीर के पास। जी बाल परी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत आज मैं करके ही रहूंगा। मेरी बात सुनो, ये रानी परी अरे माँ ये रानी परी नहीं है, ये भय माँ रानी परी अरे माँ परियों, वो असली रानी परी नहीं है, असली रानी परी को उसने कैद कर लिया है। वो भयंकर परी है। अरे माँ मेरी बात तो सुनो, आज पहली बार बुराई की विजय होने जा रही है।